हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं स्मार्टफोन पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया एक्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, नोकिया जो है अपना एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं इसी स्मार्टफोन के बारे में आपको जानकारी बताने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो होगा 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, साथ में पीछे की तरफ आपको ग्लास का बैक मिलेगा और पीछे की तरफ आपको एक रेयर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो ये स्मार्टफोन आएगा स्नैपड्रैगन के 660 चिपसेट के साथ, जो काफ़ी एक बढ़िया और बहुत ही पुराना प्रोसेसर है। तो ये स्मार्टफोन आएगा दो वेरिएंट में, 3GB रैम 30GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज। साथ में अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये आएगा एंड्रॉयड 9.5 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ में और एंड्रॉयड स्टॉक वर्जन के साथ में। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया फ़ोन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ अभी जो मेन चीज़ रहती है वो एक कैमरा। तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। जो सबसे पहला कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा होगा 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए और तीसरा होगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। और अगर मैं बात करूँ सेल्फी की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल की एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगी और वो भी वाटर ड्रॉप नॉच में। इसके साथ यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलने वाली है वो है 3500 mAh की, टाइप सी पोर्ट के साथ में आने वाला है और फास्ट चार्जिंग भी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। अभी जो सबसे लास्ट चीज़ रहती है वो है प्राइस और लॉन्च डेट। तो ये जो इसका बेस वेरिएंट होगा 3GB रैम 30GB स्टोरेज, वो आने वाला है 10,000 से 13,000 के बीच की प्राइस में। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही बजट स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ लॉन्च डेट की, यानी कि इंडिया लॉन्च डेट की, तो ये आएगा अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।